नमस्कार, मैं स्वर्णाली मिश्रा Any24 चैनल पर आपका स्वागत है। असम सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा गांधी जयंती पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार सहित चार विशिष्ट जन सम्मानित। सिलचर 3 अक्टूबर असम सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा नृत्य कला मंदिर सिलचर के सहयोग से गांधी जयंती पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार सहित चार विशिष्ट व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है। असम सरकार के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा नृत्य कला मंदिर सिलचर के सहयोग से एक स्थानीय सभा कक्ष में गांधी जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विचार गोष्ठी, सम्मान समारोह, लोकगीते और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए हैं। पूरा कार्यक्रम नृत्य कला मंदिर के सचिव किरण रास के निर्देशन में संपन्न हुआ। सम्मान समारोह का शुभारंभ महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि तथा दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों का स्वागत उत्तरीय और तिलक द्वारा किया गया है। मंचासीन अतिथियों द्वारा एक लघु स्मारिका गांधी जयंती 2024 का विमोचन किया गया। प्रेरणा भारती हिंदी दैनिक के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुब्रत देव, प्रतिष्ठित धमाइल कलाकार श्रीमती बीना पानीनाथ और सामाजिक कार्यकर्ता तथा एथलीट श्रीमती मधुमिता दास को मान पत्र प्रदान करके योगदान के लिए संस्था के सभापति बारिंद्र सिन्हा व अतिथियों के सम्मानित किया गया। सिलचर के सांसद व मुख्य अतिथि परिमल शुक्लवेद ने महात्मा गांधी को अहिंसा और सत्याग्रह के लिए याद करते हुए अनोखा व्यक्तित्व बताया। दिलीप कुमार व प्रोफेसर सुब्रत देव आदि वक्ताओं ने गांधी जी का स्मरण करते हुए स्वाधीनता आंदोलन में उनके उल्लेखनीय योगदान का जिक्र किया। सभी वक्ताओं ने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक किरण रास के निष्ठा, परिश्रम और कर्मठता की भूरी भूरी प्रशंसा की। मंचासीन अतिथियों में माधवी चंपा चौधरी शामिल थी। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विशिष्ट व्यक्तियों में वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती मृदुला भट्टाचार्य, भाजपा नेता राजेश दास, अभिजीत चक्रवर्ती, मोमिता आचार्य तथा रितेश नोनिया आदि शामिल थे। आप देख रहे हैं Any24 चैनल। ऐसे और खबरों के लिए Any24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक फॉलो करके हमसे जुड़े रहिए। समस्त जीवने जदिन थेके किछु किछु बुझते शिखेछि, ओदिन थेके जखनी मोहनचंद करमचंद गांधी জীবনী পড়েছি, আমাদের তো আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি, আমরা এত পূর্ণ মানুষ। কিন্তু এই মানুষটি এক বিচিত্র মানুষ, এক বিচিত্র মানুষ। দেশ জয় করা যায় এই কথাটা অহিংসার মাধ্যমে, এই কথাটা বিশ্বের হয়তো প্রথম কোন ব্যক্তি এই মেসেজটা দিলেন, এই পথটা আমাদেরকে দেখালেন যে অহিংসার মাধ্যমে নিজের স্বাভিমান আনা যায়। আর সত্যিকার অর্থে ইংরেজ আমাদের দেশে এসেছিল হিংসার মাধ্যমে, আমরা সবাই জানি। হিংসাকে অহিংসা দিয়ে পরাভূত করা যায়, পরাস্ত করা যায়। देवी का आगमन हो रहा है, पूरे देश में पितरों को सम्मान दिया जा रहा है, तो हमारे यहाँ दो दो महान विभूतियों का आज के दिन जन्म हुआ था, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। और दोनों ही विभूतियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया। आज हम लोग यहाँ संस्कृति विभाग के सहयोग से गांधी जयंती का आयोजन कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने पूरे दुनिया में भारत के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को स्थापित किया और स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई अपने तरीके से लड़ी। बहुत सारे विवाद भी बड़े बड़े महापुरुषों के साथ जुड़े रहते हैं। भारत विभाजन के लिए गांधी जी को दोषी बनाया जाता है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन गांधी जी का योगदान देश के लिए भुलाया नहीं जा सकता।